सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सबने थंबनेल में देखा, भारतीय खिलाड़ी और आईपीएल टीम्स ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा निर्मित एक बिल्कुल ही अलग तरह की क्रिकेट लीग में खेलने वाले है जो की द 100 के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आप में से कई लोग द 100 क्रिकेट लीग के बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों ये द 100 क्रिकेट लीग न तो T20 क्रिकेट है, न तो ODI और न ही टेस्ट क्रिकेट है। ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का क्रिकेट फॉर्मेट है जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों अब भारतीय खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी साथी आईपीएल टीम्स द 100 क्रिकेट लीग में खेलने वाले हैं जो कि एक बिल्कुल ही अलग तरीके का क्रिकेट लीग है। तो दोस्तों क्या है ये पूरी खबर, क्या वाकई में भारतीय खिलाड़ी और आईपीएल टीम्स इंग्लैंड द्वारा निर्मित द 100 क्रिकेट लीग में खेलेंगे और इस लीग में कौन से वो नियम है जो इसे T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। तो दोस्तों वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं, टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि हमारे भारत में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग है, वैसे ही द 100 क्रिकेट लीग इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की घरेलू क्रिकेट लीग है जिनमें की IPL की तरह ही 8 टीमें खेलती है। लेकिन दोस्तों इस लीग के नियम बिल्कुल ही अलग तरीके के हैं, जहाँ पे दोस्तों मैच के दौरान एक इनिंग में 100 डिलीवरी फेंकी जाती है। मतलब कि दोस्तों एक इनिंग में बल्लेबाजों को कुल 100 गेंदे खेलने को मिलती है और कुल 200 गेंदों का पूरा मैच होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का क्रिकेट है। दोस्तों इस लीग में मैच के दौरान एक ओवर में 6 गेंदों की जगह 5 या 10 गेंदे फेंकी जाती है, जहाँ पे दोस्तों एक गेंदबाज 20 से अधिक डिलीवरी नहीं फेंक सकता। दोस्तों अगर इस लीग में पावर प्ले की बात करें तो इनिंग की शुरुआत में 25 गेंदों का पावर प्ले होगा, जिसके दौरान 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 फील्डर रखने की अनुमति होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस लीग में एक मैच कुल 200 गेंदों का होता है और एक ओवर में 6 गेंदों की जगह 5 या 10 गेंदे फेंकी जाती है। तो दोस्तों हमने द 100 क्रिकेट लीग के पूरे नियम जान लिए, अब हम बात करते हैं कि क्या IPL टीम्स इस लीग में खेलेगी। तो दोस्तों इंग्लैंड के एक समाचार पत्र द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने IPL की सभी 8 फ्रेंचाइजी को 25% हिस्सेदारी के साथ द 100 क्रिकेट लीग में खेलने के लिए आमंत्रित किया है जो कि जुलाई में खेली जानी है। और दोस्तों IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस लीग में हिस्सा लेने के लिए अपनी रुचि जताई है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को कहा है कि इस लीग में अगर वो विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देता है तो इस लीग को ACI टेलीविजन पर प्रसारित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे BCCI भी कमा सके और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी कमा सके, साथ ही उनकी यह लीग प्रचलित हो सके। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच इस बारे में COVID-19 महामारी शुरू होने से पहले ही बातचीत हुई थी। साथ ही दोस्तों अहमदाबाद में जब इंडिया इंग्लैंड डे नाइट टेस्ट खेला गया था तब भी दोनों पक्षों के बीच द 100 को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि दोस्तों BCCI ने द 100 क्रिकेट लीग में भारतीय खिलाड़ियों के खेलने को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों BCCI अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है, भले ही वो खिलाड़ी IPL फ्रेंचाइजी की ओर से खेलना चाहता हो। दोस्तों BCCI के मुताबिक अगर भारतीय खिलाड़ी को किसी भी विदेशी लीग में खेलना है तो उन्हें भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेना होगा। तो दोस्तों इसीलिए भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग जैसे कि BBL, T10 लीग और CPL जैसे लीगों में नहीं खेलते। दोस्तों BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने INS को बताया है कि इस बारे में अभी कोई भी चर्चा या बातचीत नहीं हुई है कि IPL टीम्स या कोई भी भारतीय खिलाड़ी द 100 क्रिकेट लीग में खेलेंगे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या भारतीय खिलाड़ी को द 100 क्रिकेट लीग में खेलना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।